दोस्तों स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल में एक बार फिर। भारत बनाम श्रीलंका, आज पहला टीबीस मुकाबला। तीन टीबीस में आ चुकी है श्रृंखला और जिसका पहला मुकाबला आज खेला जाने वाला है, यानी कि 25 जुलाई, आज की 25 तारीख है और आज मुकाबला खेला जाने वाला है। थोड़ी देर में टॉस की तैयारी होने वाली है, लेकिन टॉस से ठीक आधे घंटे पहले जो हमारा शो हमने आपको लेकर आया है, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और YouTube चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को फॉर ऑल से सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, चाहे वो क्रिकेटर्स की मस्ती हो या फिर क्रिकेट का कोई भी अपडेट या फिर स्पोर्ट्स से जुड़ी जो ओलंपिक गेम चल रहे हैं उससे भी कोई अपडेट हो आपसे मिस ना हो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऑल से सेट कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब चैनल को। तो हमने आपके लिए शो बनाया है तो ये देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो कुछ चर्चा करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच, भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 है हमारे स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से जो बनाई गई है, वो हम प्लेइंग 11 आपको बताने वाले हैं। क्या प्लेइंग 11 है भारतीय टीम की, हो सकती है आज संभावित प्लेइंग 11 हमारे चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल की तरफ से। और दूसरा, जो तापमान क्या चल रहा है कोलंबो में, वो भी हम आज इस शो में जानने वाले हैं। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा वीडियो को, और हाँ ज़रूर देखिए ये शो। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े होंगे हमारे शो के साथ तो जुड़ जाइएगा, जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा। तो और हाँ, आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भिजाइए, और जिसका जवाब हम अगले वीडियो में भी देने की कोशिश करेंगे। आपके जो भी सवाल हो उसके जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भारत और श्रीलंका के जो मुकाबले हैं, जो तीसरा ODI मुकाबला था उसमें भारतीय टीम फंसती हुई नज़र आई। 6 बदलाव किए थे भारतीय टीम में तीसरे ODI मुकाबले में, और उसमें फिरकी के जाल में भारतीय टीम फंस गई थी पूरी तरह। जय विक्रमा ने 3 विकेट लिए थे और 3 विकेट अकेला धनंजय ने लिए थे, तो फिरकी में फंस गई थी भारतीय टीम। समझ सकते हैं आप कि किस तरह से किस तरीके से फिरकी को खेला था भारतीय टीम ने, मतलब किस तरीके से स्ट्रगल किया था फिरकी के सामने भारतीय टीम, भारतीय बल्लेबाजों ने तीसरे ODI मुकाबले में। तो हालांकि 2-1 से श्रृंखला तो अपने नाम कर ली थी भारतीय टीम ने, लेकिन आज नज़र होगी T20 श्रृंखला को भी अपने नाम करना। मतलब आज तो मुकाबला अगर जीत जाती है फिर अगले मुकाबले पर नज़र होगी, अगला मुकाबला भी अगर जीत जाती है तो भाई सीरीज़ भारतीय टीम के नाम होगी। तो आज की जो प्लेइंग 11 है हमारे तरफ से वो हम आपको बता देते हैं। स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल की तरफ से जो प्लेइंग 11 रखी गई है तो हम आपको प्लेइंग 11 पर नज़र डाल लेते हैं, बता देते हैं हमारी कौन सी प्लेइंग 11 है। शिखर धवन और देवदत्त पडिक्कल ओपन कर सकते हैं, और नंबर 3 पे ऋतुराज गायकवाड़, 4 पे संजू सैमसन, 5 पे ईशान किशन आ सकते हैं, नंबर 6 पे हार्दिक पंड्या, 7 पे कृणाल, 8 पे दीपक चहर, राहुल चहर के भाई जिन्होंने अच्छा कमाल का प्रदर्शन किया था दूसरे ODI मुकाबले में, 69 रन नाबाद बनाए थे और मैच जिताया था भारतीय टीम को। फिर भुवनेश्वर कुमार नंबर 9 पे हो सकते हैं, और यूजी चहल और हो सकते हैं वरुण चक्रवर्ती का डेब्यू हो सकता है आज। तो यूजी चहल और वरुण चक्रवर्ती, कृणाल पांड्या 3 स्पिनर के साथ और 3 तेज गेंदबाज हो सकते हैं इस टीम में। उसके बाद अगर तापमान देखा जाए कोलंबो में, तापमान पर नज़र डाला जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस है, बादल छाए हैं, बारिश की थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं, अगर बारिश भी आ सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि भाई जो है बारिश की भी जो अगर बारिश भी आती है तो उसमें भी जो भी अपडेट है हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम यही चाहेंगे, यही दुआ करेंगे कि भाई बारिश ना हो, क्योंकि मैच पूरा हो जाने के बाद बारिश आ भी जाती है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल मैच पूरा हो जाना चाहिए और फिर बारिश अगर आ जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो बारिश ना हो यही हम चाहेंगे, सारे क्रिकेट फैंस यही चाहते हैं कि बारिश ना हो। तो
तो हम भी यही कहेंगे कि बारिश नहीं होनी चाहिए। और पिच की अगर तरफ नज़र डालें तो पिच बहुत ही बढ़िया है, 7-8 पिच है, स्लो पिच है। हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा दिक्कतें जाने वाली है, हार्दिक पांड्या को ध्यान रखना होगा स्लो पिच में। और आर प्रेमदासा स्टेडियम बहुत ही बढ़िया स्टेडियम है, अगर देखा दूर से अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया स्टेडियम लगता है ये। तो आज अगर श्रीलंका की तरफ अगर देखा जाए तो जय विक्रमा और अखिला धनंजय पर नज़र होगी, और शनाका पर भी नज़र होगी। कप्तान साहब श्रीलंका के बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, दर्शन शनाका, तो आज नज़र होगी। और बता दें आपको एक अपडेट, जो इंग्लैंड में जो भारतीय टीम है, इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट मैच होने वाले 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला, उसके लिए पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार और शायद भुवनेश्वर कुमार भी, अगर समय पड़ा तो भुवनेश्वर कुमार को भी बुलाया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार जुड़ सकते हैं इंग्लैंड टीम, इंग्लैंड में जो भारतीय टीम है उससे, रवि शास्त्री वाली जो टीम है उससे जुड़ सकते हैं। और एक अच्छी अपडेट है भारतीय टीम के लिए, गुड न्यूज़ ये है कि रिद्धिमान शाह और ऋषभ पंत जल्द ही टीम के साथ जुड़ जाने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो कोरोना की रिपोर्ट है वो सब अभी निगेटिव आ गई है, और भरत अरुण भी टीम से जुड़ जाएंगे। अब जो विराट कोहली की कप्तानी वाली जो भारतीय टीम है उससे ये अपडेट निकल कर आई है अभी, तो ये अच्छी गुड न्यूज़ है भारतीय टीम के लिए। तो आज मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है और T20 मुकाबला है, तो आप भी जुड़ जाइए इस मुकाबले के साथ। Sony 10.3 पर हिंदी में आप कॉमेडी का मज़ा ले सकते हैं। तो भाई टेलीग्राम चैनल है हमारा, यूट्यूब का जो हमारा स्पोर्ट क्लब करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी आप जुड़ना मत भूलिए। उसमें अगर नहीं जुड़े हो आप तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमने लिंक दी है, उस लिंक से आप सीधे चैनल पर ज्वाइंट हो सकते हैं। स्पोर्ट क्लब चैनल है और ज्वाइंट हो जाइएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर भी जाकर स्पोर्ट क्लब सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद आप वहाँ पर स्पोर्ट क्लब हमारा चैनल दिखेगा आपको, वहाँ पर आप ज्वाइंट हो जाइएगा। और हाँ, अब जिस पे भी टीम बनाते हो तो टीम भी बनाइएगा, मज़ा उठाइएगा, क्योंकि आज T20 मुकाबला है। अच्छे प्लेयर्स रखिए अपनी टीम में, टीम बनाइए, हाउस एड पे हो या फिर जिस पे भी आप टीम बनाते हो तो टीम बनाइएगा और मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट मैच का। और ओलंपिक में भी आज शानदार मुकाबला, हॉकी में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से जो चल रहा है उसमें भी शानदार परफॉर्मेंस अब तक इंडिया ने दिया है ओलंपिक गेम्स में। तो आज भाई दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन हम दुआ यही करेंगे कि भारत भी श्रीलंका के साथ भी जो T20 मुकाबला है उसमें भी भारत जीत जाए और 1-0 की बढ़त ले ले पहले मुकाबले से ही। 3 T20 मैचों की श्रृंखला और इसमें कई देशों की लड़ाई चल रही है, और T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो T20 वर्ल्ड कप की जमकर तैयारी चल रही होगी भारतीय टीम की भी, और अदर जो क्रिकेट टीम है उनकी भी T20 वर्ल्ड कप के लिए शानदार तैयारी चल रही है। तो देखना मत भूलिए आज का मुकाबला, और सब्सक्राइब नहीं किया हो फिर से एक बार हम आपको बताते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर परसेंटेज नीचे गिर रहा है, तो भाई ध्यान रखिए शेयर करते जाइए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी हमारे चैनल से और टेलीग्राम चैनल से हो या फिर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाए जल्द से जल्द। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर और अपडेट के लिए हम आप और अपडेट देने हम आपको फिर से मिलेंगे, फिर से और अपडेट हम आपको पहुंचाएंगे, और फिर मिलता हूं मैं अगले वीडियो में।